नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी प्रेप में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 फरवरी यानी आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे वो है कि काशी एक रूप अनेक एग्जीबिशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाई, ये जो एग्जीबिशन है काशी एक रूप अनेक, इस एग्जीबिशन को किसने इनॉग्रेट किया है। और जो आपके ऑप्शंस हैं, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, ठीक है। और उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया है। आनंदीबेन पटेल कौन है? आनंदीबेन पटेल अभी यूपी की गवर्नर हैं, याद रखें आप लोग, ठीक है, यूपी की गवर्नर हैं ये, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस स्टेट ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। जो आपके ऑप्शंस हैं वो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। एंड एज यू माइट हैव गेस्ड, द करेक्ट आंसर इज सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड कल्चरल आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन नेम्ड काशी एक रूप अनेक। तो काशी एक रूप अनेक किस टाइप का एग्जीबिशन है? तो ये कल्चरल आर्ट्स, मतलब आर्ट्स के लिए और कला और का प्रदर्शन है, और ये हैंडीक्राफ्ट्स का एग्जीबिशन है, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है वाराणसी में। वाराणसी को काशी भी बोलते हैं, एज यू माइट नो, ठीक है। तो वाराणसी में इसका जो इनॉग्रेशन किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। सो द एग्जीबिशन विल शोकेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओवर 10,000 आर्टिसंस फ्रॉम ऑल ओवर उत्तर प्रदेश। तो ये जो एग्जीबिशन है, इट इज़ सपोज टू शोकेस प्रोडक्ट्स, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम 10,000 आर्टिसंस फ्रॉम ऑल ओवर उत्तर प्रदेश। सारे उत्तर प्रदेश के आर्टिसंस यहाँ पे आकर के अपना हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह इन सब चीज़ों का प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी एग्जीबिशन के दौरान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, ये स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम में क्या किया जाएगा? इस स्कीम में वन क्राफ्ट पर डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है, वन क्राफ्ट पर डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड दैट क्राफ्ट विल बी प्रमोटेड, ठीक है, उस क्राफ्ट का प्रमोशन किया जाएगा। तो ये चीज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई की गई है। जैसे कि भदोही, अगर जो डिस्ट्रिक्ट है भदोही, उसमें आपके कारपेट्स एंड रग्स, ठीक है, कारपेट्स एंड रग्स, तो इस टाइप के आइडेंटिफाई किए गए हैं हैंडीक्राफ्ट्स पर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $450 मिलियन। तो कितने का लोन साइन किया गया है? $450 मिलियन। और किसके साथ ये साइन किया है इंडिया, ये आपको बताना है। जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ए, वर्ल्ड बैंक, बी, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB एंड डी इज यूनाइटेड नेशंस। और जो आपका जिसका करेक्ट आंसर है वो है ए, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के साथ ये साइन किया गया है ये एग्रीमेंट इंडिया के द्वारा। आपको लगे मैं बता दूं कि ADB जो है, ADB का जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में, यानी कि मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में, ठीक है। ओके, जो द लोन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक एम्स टू सपोर्ट द नेशनल प्रोग्राम अटल भूजल योजना, तो अभय, तो इस योजना को सपोर्ट करने के लिए ही ये लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। और अटल भूजल योजना का पर्पस क्या है? इसका दूसरा नाम है नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो आपको पता होगा कि इंडिया का जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज दे आर बिकमिंग डिप्लीटेड वेरी फास्ट, ठीक है। इंडिया का ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर वेरी स्ट्रेस करेंटली एंड दे आर गेटिंग डिप्लीटेड, नॉट ओनली डिप्लीटेड, कम हो रहे हैं, साथ ही साथ दे आर ऑल्सो आपके कंटेमिनेटेड, तो कंटेमिनेट भी हो रहे हैं, ठीक है, कंटेमिनेटेड, दे आर बिकमिंग कंटेमिनेटेड। तो इसी को रिस्टोर करने के लिए और रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए अटल भूजल योजना लॉन्च की गई है, ठीक है। तो और इस पैसे का यूज़ किया जाएगा ग्राउंड वाटर इंस्टीट्यूशंस को भी बिल्ड करने के लिए, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करेंगी उनको ये बिल्ड करने के लिए
यूज़ किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी यूएस में। और जो भी करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक है उनका नाम है डेविड रॉबर्ट मैलपास। ठीक है, डेविड रॉबर्ट मैलपास अभी करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैं। ठीक है, आपको मैं एक और फैक्ट बता दूँ, IMF और एंड वर्ल्ड बैंक इन दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोला जाता है। नहीं चल रहा यहाँ पे फोन, ये ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय लॉरियस स्पोर्ट्स। तो लॉरियस स्पोर्ट्स के द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है लुईस हैमिल्टन, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड करेक्ट फोर्थ ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, दोनों लुईस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी। और उसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी यानी कि लियोनेल मेसी और लुईस हैमिल्टन दोनों को सेम नंबर ऑफ वोट्स मिले थे। ठीक है, जो इस अवार्ड के 20 साल के 20 ईयर्स हिस्ट्री में पहली बार है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दो स्पोर्ट्समैन को सेम अवार्ड, सेम नंबर ऑफ वोट्स मिले थे, इसलिए दोनों को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये जो लॉरियस स्पोर्ट्स का जो ये जो जो अवार्ड है इसका ये 20th एनिवर्सरी है, 20th, एंड दिस अवार्ड सेलिब्रेट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट। तो वर्ल्ड स्पोर्ट में जो भी बेस्ट लोग होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो और लुईस हैमिल्टन कौन है? ब्रिटिश फार्मूला वन रेसर हैं ये। ठीक है, टॉप रेसर है ब्रिटेन के ये फार्मूला वन में। और लियोनेल मेसी जो आपके फॉरवर्ड हैं फुटबॉल में। ठीक है, सो देवर डिक्लेयर्ड द जॉइंट विनर्स ऑफ द प्रेस्टिजियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। इंडिया के लिए भी एक अवार्ड दिया गया है इंडिया का, और वो अवार्ड है कि लॉरियस बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट। सबसे बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट कौन सा था? तो सचिन तेंदुलकर, जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो सचिन तेंदुलकर को कंधे पर उठा करके सभी लोगों ने एक लैप ऑफ ऑनर जो था वो दिया था। ठीक है, और ये इस स्पोर्टिंग मोमेंट का नाम रखा गया है कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ अ नेशन। ठीक है, तो इस जो मोमेंट था इस मोमेंट को लॉरियस बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट भी बोला गया है। ठीक है, और इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड जो था, दिस अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। तो 1999 में ये अवार्ड एस्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा? बाय लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन। सो लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन, और इसके फाउंडिंग पैट्रन्स थे डेमलर एंड रिचमोंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड विल बी हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ। तो इंडिया के जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड है वो किसके द्वारा हेड की जाएगी? इनमें से जो चार हमारे पार्ट्स हैं आर्मी के, इंडियन डिफेंस के, उसमें से किसकी ऑफिसर इसको हेड करेंगे? और उसके जो ऑप्शंस हैं, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। और उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एयरफोर्स। तो एयरफोर्स का एक ऑफिसर इसको हेड करेगा इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड को। और इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड है क्या? तो इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड जो है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इंडिया के एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पूरे इंडिया के जो एयर डिफेंस है एयर, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड की होगी। इसके अनाउंसमेंट किसने किया है? इसका अनाउंसमेंट जनरल जो अभी हमारे CDS हैं, CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत ने अनाउंस किया है कि बाय 2020 इंडिया विल हैव एन इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड। ठीक है, बाय 2020 इंडिया विल हैव एन इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड। ठीक है, मैंने बता दिए सारे फैक्ट्स, आगे बढ़ते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द रेटिंग एजेंसी मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है इसके द्वारा इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2020 इज लाइकली टू बी, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है फॉर द ईयर 2020 इज लाइकली टू बी हाउ मच, कितना होने वाला है? आपके ऑप्शन हैं 5.4%, 5.8%, 5.5% एंड 6%। और उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5.4%। तो मूडीज ने इंडिया का जो ग्रोथ रेट का जो फोरकास्ट था वो बाई 2020, नॉट ओनली 2020 बट
ऑल्सो 2021 दे हैव रिड्यूस द ग्रोथ फॉरकास्ट, ठीक है, कि ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया की जितनी फॉरकास्ट की गई थी उतनी होगी नहीं इस बार. ओके, ये देखें, मोदीज हैज कट इंडियाज 2020 जीडीपी ग्रोथ रेट फॉरकास्ट टू 5.4% फ्रॉम 6.6%. तो पहले फॉरकास्ट कितना था 6.6% और अब घटा करके 5.4 कर दिया गया है, ठीक है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 6.7% से 5.8% कर दिया गया घटा करके. इसके पीछे रीज़न क्या दिया है मोदी ने, इसके पीछे मोदीज ने रीज़न दिया है कि जो नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ है चाइना में, तो चाइना में कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ है, इसकी वजह से जो वर्ल्ड वाइड ग्रोथ है दैट विल बी अफेक्टेड. तो वर्ल्ड वाइड ग्रोथ जो है वो प्रभावित होगी, जो पूरे वर्ल्ड में जो विकास दर है वो प्रभावित होगी, और उसकी वजह से इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक ग्रोथ रिकवरी विल बी स्लो. तो इंडिया का इकोनॉमिक स्लो डाउन जो अभी चल रहा है वो उसका रिकवरी जो है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया जो पहले 6.6% पे ग्रो कर सकता था अब नहीं ग्रो करके अब 5.4% पे ही इंडिया ग्रो करेगा, ठीक है. मूडीज़ क्या है, मूडीज़ इज़ अ क्रेडिट एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, विच इज़ हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिफ्थ एडिशन ऑफ डिफिकल्ट डायलॉग्स इज बीइंग हेल्ड इन, डिफिकल्ट डायलॉग्स का पांचवा एडिशन कहाँ पे हो रहा है, और इसका जो इसके जो ऑप्शन हैं वो है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पणजी एंड डी चेन्नई, और जो करेक्ट आंसर है सी पणजी. तो गोवा में पणजी में ये जो डिफिकल्ट डायलॉग्स जो कन्वेंशन है वो यहाँ पे हो रहा है, और डिफिकल्ट डायलॉग कन्वेंशन किस लिए होता है, ये एक्चुअली साउथ एशिया से रिलेटेड, साउथ एशिया से, एशिया से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं इसमें, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है. और इस बार का जो थीम है, थीम क्या है इस आपके इस कॉन्फ्रेंस का, इस कॉन्फ्रेंस का थीम है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ठीक है. सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलने में कोई परेशानी ना हो. थैंक यू.